ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेश पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवत से पाठ छठा स्कंद अध्याय एक अजाम्बिल के जीवन का इतिहास श्लोक संख्या 55। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरात् ईश संगात् विधीयते। शब्दार्थ एषः यः प्रकृति संगेन भौतिक प्रकृति के साथ संगति होने से पुरुषस्य जीव का विपर्यय विस्मृति की स्थिति या विषम स्थिति आसीत् आ गई सह वह स्थिति एव निसंदेह न नहीं चिरात दीर्घ काल तक ईश संगात परमेश्वर की संगति से विलियते समाप्त हो जाती है। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, क्योंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है अतः वह बड़ी विषम स्थिति में होता है, किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाती है तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। दोहराइए, क्योंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है अतः वह बड़ी विषम स्थिति में होता है, किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनकी भक्त की संगति की जाए तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। तात्पर्य, प्रकृति का अर्थ है भौतिक प्रकृति तथा पुरुष भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक करने वाला हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्त्री शक्ति प्रकृति के साथ अपना संसर्ग बनाए रखना चाहता है और इस भ्रम में रह कर कि वह प्रकृति का भोग कर सकेगा, अपने को कृष्ण से विलग कर ले तो उससे बद्ध जीवन में बने रहना पड़ेगा। किंतु यदि वह अपनी चेतना बदल लेता है और परम आदि पुरुष पुरुषं शाश्वतम से
या उनके संगियों से संगति करता है तो वह भौतिक प्रकृति के पास से बाहर निकल सकता है। जैसा कि भगवद्गीता की चौथा अध्याय की 9 नंबर श्लोक में पुष्टि की गई है कि जन्म कर्म च मे दिव्यं योवेति तत्त्वतः। मनुष्य को परम पुरुष श्री कृष्ण को उनके रूप नाम कार्य तथा लीलाओं के रूप में केवल समझना होगा, इससे वह सदा कृष्ण की संगति में बना रहेगा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इस प्रकार अपने स्थूल शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य दूसरा शरीर नहीं ग्रहण करता अपितु आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करता है, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सके। इस तरह भौतिक शक्ति की संगति से उत्पन्न उसके कष्ट का अंत हो जाता है। संक्षेपतः जीव भगवान का नित्य दास है, किंतु वह भौतिक जगत में आया है और प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण वह भौतिक स्थितियों द्वारा बंध जाता है। मुक्ति का अर्थ है इस झूठी चेतना को त्याग कर ईश्वर के प्रति अपनी आदि सेवा को पुनर्जीवित करना। आदि जीवन में यह वापसी मुक्ति कहलाती है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति। एषः प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव नः चिरात् ईश संगात विलियते। क्योंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है, अतः वह बड़ी विषम स्थिति में होता है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए, तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। हरे कृष्ण। पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुणसंग अस्य सद असद ज्वनि जन्मसु। हम इसी सत ज्वनि में बा असत ज्वनि को प्राप्त करके कभी ये मनुष्य शरीर बा अन्य शरीर साथ साथ कभी कभी मनुष्य शरीर में भी आते हैं। तो इसके कारण की है, कारण है कि कारण गुण संग अस्य, हमें गुणों के संग करते हैं। गुण क्या है? प्रकृति तय है। प्रकृति तीनों गुणमयी माया है, दैवी हेसा गुणमयी। ये तीनों गुण क्या है? सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। इन गुणों की संगति करने के कारण हम अन्य ज्वनि 84 लाख ज्वनि में से किसी न किसी ज्वनि में आ जाते हैं। सत्वगुण की स्थिति में जो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, जो सत्वगुणों के संग करते हैं, तो रजोगुण के संग करने वाले इस भौतिक जगत में ये पृथ्वी लोक में रहते हैं। मनुष्य ज्वनि विशेष में रजोगुण के ही माना जाता है। इसके नीचे और जो तमगुण के संग करने वाले पशु पक्षी ज्वनि में आए और निम्न ज्वनि में चले जाते हैं। लेकिन ऐसे संगति से, क्योंकि इस श्लोक को पूरा व्याख्या करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसा ही थोड़ा सा मोड़ता हूँ कि आस्ते आस्ते फिर रामानुज आचार्य की चर्चा कर सके। क्योंकि इसी गुणों के संग करने से ही कारण गुण संग अस्य, हम सत और असत ज्वनि को प्राप्त करते हैं और 84 लाख ज्वनि में भटकते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इससे उद्धार के ऐसे मुक्त कैसे होना है ना, यदि श्लोक कह रहे हैं यदि हम भगवान की संगति या भक्तों की संगति करेंगे। ईश संगात बिलियते, यदि भगवान के संग करेंगे, भगवान के संग का अर्थ भी उनकी भक्तों की संगति। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐसा ही 84 लाख ज्वनि में भ्रमण करते करते किसी भाग्यवान जीव को यदि क्या मिलता है, भक्ति के बीज प्राप्त हो जाता है, किसके माध्यम से? गुरु और कृष्ण के माध्यम से, तभी फिर इसकी जीवन सार्थक हो सकता है। अर्थात जन्म मुक्ति संसार से मुक्त होकर वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो प्रामाणिक आचार्यों से दीक्षा प्राप्त करके ही भक्ति कर रहे हैं वो साधारण जीव नहीं है। कैसा जीव है वो?
साधारण जीव नहीं तो कौन सा कैसा जीव? भाग्यवान जीव, फॉर्चुनेट सोल, साधारण सोल नहीं। ऐसे तो लाखों जब नहीं करोड़ों संख्या में जीवात्माएं घूम रहे, कितना लोग भक्ति में शामिल हो रहे हैं। इसलिए यदि कोई प्रामाणिक आचार्यों को स्वीकार करके ही भक्ति के प्रारंभ किया है, समझ लाना चाहिए कि वो किस प्रकार का जीव है, भाग्यवान जीव। गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति लता के बीज प्राप्त हुई, भक्ति के शुभारंभ की है। इसी प्रकार बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए भगवान तो स्वयं आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद सियो धाम सह अवतरी। भगवान स्वयं कभी कभी आते हैं धरा पर, और कभी कभी उनके शुद्ध भक्त को भी भेजते हैं, जिन्होंने आकर आचार्य की भूमिका निभाकर बद्ध जीवन को फिर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में प्रयास करते हैं। कि भगवान ही कहते हैं आचार्य मान बिजानियात, मैं ही आचार्य के रूप में आता हूँ। इसलिए आज इसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय में हम देखे हैं चार मुख्य आचार्य है, कौन कौन? श्री चार संप्रदाय क्या? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। इसलिए ये चारों संप्रदाय के आचार्य में से जो रामानुज आचार्य, कौन सा आचार्य, कौन सा संप्रदाय के आचार्य हैं? पद्म पुराण में कहा जाता है कि अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्मा रुद्र सनका वैष्णवाः क्षिति पावनः चत्वारस्ते कलौ भव्य उत्कले पुरुषोत्तमात् रामानुजं श्री शिकार्ये माधवाचार्य चतुर्मुख श्री विष्णु स्वामीनां रुद्रौ निम्बादित्य चतुस्सनः। वैष्णव के संप्रदाय चार संप्रदाय है, उनमें से रामानुज आचार्य को श्री ने स्वीकार किया। श्री कौन? लक्ष्मी जी संप्रदाय, इसलिए इसको श्री संप्रदाय कहते हैं। लक्ष्मी जी इनको स्वीकार किए। माधवाचार्य, क्योंकि दिव्य ज्ञान भगवान से ही आती है, कहाँ से? स्वयं कृष्ण से ही आती है। वेद से सर्वै अहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इसलिए भगवान ने चारों व्यक्ति को सृष्टि के प्रारंभ से दिव्य ज्ञान के बारे में बताए थे। इनमें से एक है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी जो ज्ञान को भगवान से प्राप्त किए थे, उसी ज्ञान की उन्होंने किसको प्रदान किया? रामानुजाचार्य के माध्यम से संसार में उसके प्रचार हुई। तो इसलिए श्री संप्रदाय के आचार्य माधवाचार्य को ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया है। सृष्टि के प्रारंभ से तेने ब्रह्म हुदा आदि कवय, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए। ब्रह्मा जी से उसी ब्रह्मा जी उसी ज्ञान को किसको प्रदान किए? नारद, व्यासदेव, फिर माधवाचार्य, डायरेक्ट डिसिपल किसके? व्यासदेव जी के डायरेक्ट डिसिपल, प्रत्यक्ष शिष्य है माधवाचार्य। इसलिए ये ब्रह्म संप्रदाय की शुरू हुई है। चतुस्सन, चारों कुमार, हंसावतार में भगवान ने आके इनको डायरेक्ट ज्ञान दिए। चारों कुमारों ने कृपा किया किसको? निम्बादित्य ने, चारों कुमार निम्बादित्य को कृपा किए। और जो विष्णु स्वामी ने किससे कृपा प्राप्त की? शंकर जी से। शिव जी ने इनको अपने उनके संप्रदाय के आचार्य माने। ऐसे चार आचार्य में से आज माधव, आज सबसे पहले अन्य आज के जो दिन है, आज रामानुज आचार्य की आविर्भाव तिथि है। इसलिए संक्षेप में, बहुत संक्षेप में उनके बारे में ब्रीफली चर्चा करेंगे टाइम के आधार पर, नहीं तो रामानुज आचार्य की चरित्र बहुत महान है। ऐसे 7-8 दिन तक बोलते रहने से भी समाप्त नहीं होने वाला। महान उनकी लीलाएँ भक्तों के लिए अति सुहावन है, सुनने में मधुर है, लीलाएँ बड़े। लेकिन हम संक्षेप में इनके बारे में परिचय देंगे कि रामानुज आचार्य प्रकृति में ये माड्रास से दक्षिण पश्चिम दिग में लगभग 30 किलोमीटर दूर पर एक स्थान आता है पेरुमंदुर कहते हैं, कि वहाँ पर उन्होंने माता पिता के रूप में आसुरी सर्वक्रतु केशवाचार्य और कांतिमती, ये कांतिमती जो थी भी, ये भी
विशेष रूप में इनकी ख्याति इसी प्रकार है क्योंकि यमुनाचार्य की जो प्रथम शिष्य पहला शिष्य थे नाम्बी, नाम्बी की बहन थी कांतिमती, जिन्होंने बाद में रामानुजाचार्य की मदर बने। तो इसी प्रकार ये पिता जी केशवाचार्य तथा कांतिमती को माता पिता के रूप में स्वीकार करके ही ये पेरुमंदर में जन्म लिए। कहा जाता है कि उन्हें पिताजी ने एक पुत्र की कामना करके ही मद्रास में आज भी उस मंदिर है वृंदारण्य एरिया में, कहते आज इसको ट्रिप्लिकान एरिया में आज भी आदि केशव मंदिर है। विग्रह कहते कि स्वयं स्वयंभू विग्रह है, ये दुनिया में और कोई विग्रह नहीं है कृष्ण में मूछ हो, उस विग्रह में कृष्ण का भी मूछ है और अर्जुन का भी मूछ है उस लेकिन वो कहते वो स्वयं स्वयंभू विग्रह है। तो उस विग्रह में तो वो नहीं उस मंदिर में एक पुत्र की कामना करके ही केशवाचार्य बहुत सालों तक यज्ञ करते रहे। कहते कि उस यज्ञ के फलस्वरूप भगवान ने स्वयं सपने में आकर उन्हें कहते कि मैं ही तुम्हारी पुत्र रूप में आऊँगा, ऐसे कहा जाता। तो इसलिए राम अनुज, राम अनुज का अर्थ क्या, राम के छोटा भाई है राम, क्योंकि दिव्य सूर्य स्तोत्र में कहा गया कि कौन है, तुंडीर मंडले भजे तुंडीर मंडले शेषमूर्ति रामानुजंग भजे। तो कहते कि प्रकृत में रामानुज आचार्य कौन है, शेषमूर्ति, ये शेषमूर्ति है राम के अनुज है, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं उनके संप्रदाय में। रामानुज आचार्य श्री संप्रदाय की कहते कि ये अनंत शेष की अवतार है, बा लक्ष्मण राम अनुज, राम के अनुज लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। इनकी जो जन्म है चैत्रार्दंग संभवंग विष्णु दर्श चैत्र महीना में इनके जन्म हुआ है, चैत्र महीना की 12वां दिन था और शुक्ल पंचमी तिथि, शुक्ल पंचमी तिथि गुरुवार के दिन इनकी जन्म हुई। कहते ख्रिस्टियन माने इनके जो ख्रिस्टाब्द के आधार पर हम कह सकते कि ये 1017 साल था, यदि हम शकाब्द कहेंगे शकाब्द के आधार पर 1939 शकाब्द सॉरी, और इसी प्रकार यदि हम कहेंगे कलियुग की कौन सा साल, कहते कलियुग प्रारंभ जब से कली प्रारंभ हुआ कलियुग के 4118 साल जब हुआ था तभी रामानुज आचार्य प्रकट हुए, और ये बचपन से ही अति तेजस्वी थे, कोई साधारण बच्चे की तरफ नहीं थे, उस बचपन से ही जन्म से ही इनके आध्यात्मिक तेज को लोग देख सकते थे, बड़े बहुत तेजस्वी थे और दिव्य गुण में युक्त थे। माता पिता इनको बचपन से, उनके पिताजी स्वयं पढ़ाते थे, पिताजी बहुत बड़े पंडित थे विद्वान थे, तभी आस्ते आस्ते इन्हें बड़े होने लगे। लेकिन इनकी जीवन में एक विशेष स्थिति था कि अब जो उनके गांव जो था पेरुमंदर वहीं आसपास से कांचीपुरम नाम के एक महान भक्त, जो कि कांचीपुरम में आज भी प्रसिद्ध मंदिर है बरद राजन, बरद राजन जो बरदाताओं में से राजा है, वो भी स्वयंभू विग्रह है बरद राजन विग्रह, उन विग्रहों की सेवा करते थे कांचीपुरम। कांचीपुरम शूद्र कुल में जन्म लिए थे, शूद्र घर में इनकी जन्म हुआ था, लेकिन सभी लोग जानते थे ये महान भक्त है किसके, बरद राजन की महान भक्त है। बरद राजन उनसे बातचीत करते थे साक्षात रूप में, इनकी सेवा शूद्र की हरण के कारण इनको अल्टर में तो जाने की अनुमति नहीं, लेकिन पंखा झूलने के पंखा देखो, कोई कोई बांकी बिहारी मंदिर में जाओगे देखो पंखा बंधा हुआ है, यहाँ बाहर से क्या करते हैं रस्सी खींचते हैं पंखा चलता है, तो इसी पर पंखा झूलने की सेवा इनकी था। लेकिन आस्ते आस्ते जब ये प्रसिद्ध हुए फिर आस्ते आस्ते इनको सेवा मिला, लेकिन ये प्रत्येक दिन आते थे उसी माने पेरुमंदूर अंचल से प्रत्येक दिन जाते थे कांचीपुरम, रात को नहीं सॉरी कांचीपुरम जाते थे, वहाँ सेवा करके ही बरद राजन के रात को उनको शयन कराने के बाद फिर वापस आते थे गांव में, फिर सुबह फिर चल के जाते थे, लगभग इसको 20-25 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, लेकिन रास्ते में रामानुज आचार्य के घर आता था, इसीलिए कांचीपुरम के साथ प्रत्येक दिन इतने मिलन होता था किसका, रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य के साथ
दोनों भगवान के बारे में चर्चा करते थे। बचपन से ही इनको भगवान के बारे में चर्चा करने की एक व्यक्ति मिला, संग मिला, साधु संग है। रामानुज आचार्य जी के संप्रदाय से विशेष रूप में चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि आपको दो चीज सीखना है, क्या? वैष्णव सेवा और भक्ति। जो होता है ज्ञान और कर्म से मुक्त, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म से भक्ति मुक्त है। और वैष्णव की सेवा के बिना कोई भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता, वो भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा है। ये उदाहरण तो स्वयं कांचीपूर्ण के जीवन में ही था। कांचीपूर्णम जो वरदराज से बात करते, इसलिए सभी लोग आकर बोलते थे कांचीपूर्णम थोड़ा हमारे बारे में पूछ लो, भगवान को पूछ के हमको बताओ भगवान क्या कह रहे, सभी लोग पूछते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, बहुत मेरे बारे में पूछिए, मैं तो देखिए दिन रात भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, क्या मैं भगवतधाम जाऊँगा जीवन के लास्ट में? जो पूछे तो वरदराज ने कहे कि नहीं, बोले कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ये भगवतधाम जाएगा इस जीवन के अंत में, मेरे धाम में चले जाएगा वैकुंठ। तो कांचीपूर्णम को भी बड़ा उत्सुक लगा, क्योंकि अरे सबके बारे में पूछ रहे हो लेकिन मेरे क्या होगा, मैं भगवतधाम जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा उनके डाउट रहता था। लेकिन शर्म के कारण पूछ नहीं पाते थे, किनको, भगवान को भी पूछ नहीं पाते थे। भगवान समझ गए, ये सबसे मैं अन्य मनस्क रहता, कुछ सोचते रहता, तो भगवान कहेगी कांचीपूर्णम क्या है, अरे कुछ पूछना चाहते हो ना, पूछो, पूछ लो। तो कांचीपूर्णम कहे कि देखिए प्रभु, मैं तो आपके नित्य सेवक, सदा आपकी सेवा में लगे रहता, मेरे मन में भी एक शंका आ रहा है कि मैं जीवन का अंत में आपके धाम में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। भगवान हंसे, कहे कि तुम नहीं जाओगे। बोले नहीं जाऊंगा, क्या कारण? कहे कि तुमने केवल मेरा ही सेवा करता है लेकिन कभी किसी वैष्णव का सेवा नहीं किया है। कांचीपूर्णम उसी दिन वहीं छोड़ के, पंखा जब झूलते तो छोड़ के भाग गए और जाए कि ढूंढने लागे कहाँ है वैष्णव, कहाँ मिलेंगे, वैष्णव की सेवा करूँगा। और जहाँ भी जाता था सब बोलते तुम कांचीपूर्णम, तुम सेवा करोगे, तुम भगवान की इतनी शुद्ध भक्त हो, भगवान साक्षात तुमसे बातचीत करते हैं, कोई सेवा दिया नहीं। जहाँ भी जाते थे कोई सेवा भी मिलने वाला नहीं था। तो क्या करें बेड़ा, बड़े दुखी हो कि लास्ट में क्या किए ना, आपने जो सफरन ड्रेस पहने थे, सफरन ड्रेस को उतार के फिर गए, साधारण ग्रस्त जो सफ़ेद पहन के, थोड़ा गंदे कपड़ा पहन के, ऐसा ही बाल फाल से छोड़ दिए, दाढ़ी पाड़ी छोड़ के जाकर अपने ही गढ़ पर, मैंने जो वो यमुनाचार्य के शिष्य थे उनकी किसी गुरु भाई के घर में जाकर सेवा में लग गए, गौशाला सेवा ले लिए, गाय की सेवा करना है, घर में गौ सेवा करते थे और घर में बर्तन फर्तन भी जो रहता था उसको भी सफाई करते थे, सब करने लगे। लेकिन एक दिन, कई ऐसे साल भर चला गया सेवा करते रहे, एक दिन बारिश में भीग के आए, गाय सब को लेके आए, बारिश हो रहा था, आए तो गाय के सब अपने अपने स्थान पर रख कर उन्होंने देखी कपड़ा पूरा भीगा हुआ है, वो एक ही कपड़ा था सफरन का, और तो कपड़ा है नहीं, अभी क्या करेंगे बेचारे। पुराने जो बैग के अंदर रखे थे पुराना वो सफरन ड्रेस को निकाले, निकाल के बोले इसको निचोड़ के सुखा देता हूँ, फिर इसको थोड़ा टेम्पोरारी पहन लेता हूँ, पहन के ही एक कोने में छुप के से थे। लेकिन उनके जो गुरु भाई थे तो उस दिन बाहर से आ रहे थे, थोड़ा सा नजर लगे कि सफरन कपड़ा कोने में कौन आया, कोई है आए, अंदर घुस के जाके देखे, और दाढ़ी फाड़ी सब पूरा बारिश में भीगने के कारण सब सिकड़ी हो गया था। और जब देखे, थोड़ा सा निरीक्षण अच्छा से किए, पहचान गए, बोले तुम कांचीपूर्ण, धोखा दिए हो हमको, अरे आप आकर इधर एक साल से मेरे घर में सेवा कर रहे हो, हमारे झूठा बर्तन धोते हो, मेरे गायों को देख खिला, गाय चराने जाते हो, आप मेरे को नर्क के जाने के कैंडिडेट बना दिया। बहुत रोने लगे है, उनका आलिंगन परस्पर कर आलिंगन करके रोने लगे, काल से नहीं यहाँ सेवा नहीं, काल से नहीं सेवा है। तो कांचीपूर्णम क्या करेंगे, देखे तो एक साल चला गया, तो इसलिए वापस आए। वापस आकर जब पहुँचते वरदराजन के पास, वरदराजन बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे मेरे सेवक कब आएगा, हंसने लगे, बोले कांचीपूर्णम अभी तो हम क्वालिफाइड हो गए हो मेरे धाम जाने के लिए, इसलिए कहते कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा। ये भी रामानुज आचार्य की शिक्षा से हम देख सकते हैं। रामानुज आचार्य प्रत्येक दिन चाहते थे इनकी सेवा करना, किसकी सेवा करना है, किनकी सेवा करना चाहते थे, कांचीपूर्णम की, कांचीपूर्णम महान भक्त थे।
लेकिन कांचीपुर में कहते नहीं मैं शूद्र हूँ आप ब्राह्मण हो, ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे हैं, कहे कि मैं आपको मेरा सेवा आप कैसे करोगे। लेकिन रामानुजाचार्य सदा चाहते थे कि उनकी झूठन खाना, किनकी? कांचीपुरनम की झूठन खाना। कांचीपुरनम ने रामानुजाचार्य शादी तो बहुत कम उम्र में हो गया था, 16 साल उम्र में रक्षा कमल नाम की कन्या के साथ, ब्राह्मण घर की कन्या, स्मार्त ब्राह्मण घर में जन्म शादी हो गया था। तो उसकी जो रामानुजाचार्य की जो वाइफ थी वो बड़ा क्या कड़क थी, मैंने प्रिंसिपल को विधि को पालन करने में, स्मार्त रीति को है। यदि पानी लाने के लिए कुआं में गई, जो देख रही थी पानी उतारा उठा के लाई और देखी कि किसकी छाया भी गिर गया पानी में, वो पानी को वहीं डाल देती थी है। कोई कुत्ता भी यदि देख लिया कहीं उसको देख ले स्नान करके आ रहा, फिर उसको फिर दोबारा देखिए स्नान करके आएगी। कई प्रकार के बहुत कटकना था। लेकिन रामानुजाचार्य चाहते थे कि एक दिन मैं कांचीपुरनम का हमारे घर में भोजन के लिए बुलाऊंगा और भोजन करने के बाद मैं उनकी उचिष्ट को खाऊंगा। कौन कौन कह रहे थे? एक दिन बुलाए भी रक्षा कमल को कहे कि आज अच्छे से कुकिंग करो, आज मेरे के विशेष अतिथि आएंगे, इनको मैंने आज भोजन करा करो, इनकी उचिष्ट में खाऊंगा हैं, तुम सावधानी से कुकिंग करो ठीक से। कुकिंग कर रही थी लेकिन जो समय आने का था तो थोड़ा लेट हो रहा था। लेकिन रामानुजाचार्य भी ये सोच रहे थे कि मैं जाके सोएंगे इनको साथ में लेके आऊँगा, इसलिए घर से निकल गए उनको लाने के लिए। भोग लग के रेडी हो गया प्रसाद, जो जा वो गए एक रास्ते में, लेकिन दूसरे रास्ते में वो आ गए इनके घर में, कांचीपुरम पहुँच गए रामानुजाचार्य हैं, पहुँच गए तो उनको देख कर बोले कि कहाँ प्रसाद रेडी है, उनको पूछे बेटी प्रसाद रेडी है, उनको माने पत्नी को पूछे रामानुजाचार्य जी रखा कमल देखा, अच्छा ये इनको इन्वाइट किया तो शूद्र है ये घर के अंदर नहीं बुलाया। बोले आपको ही इन्वाइट हुआ था? हाँ मुझे इन्वाइट किया था तुम्हारे पति। बोले बरना में बैठो, बाहर में बरना में बैठा दिया, बैठा कर वहीं पत्ता डाल दिया है, पत्ता डाल के बस अन्न दे दिया, अन्य सब्जी फोब्जी सब एक ही पत्ता में दे दिया। बोले कटोरी भटोरी नहीं, पत्ता में ही खाओ। खाने के बाद तो कांचीपुरनम तो बड़ी दैन्य नम्र थे, बैठ के बस भोजन किए, कहे कि पत्ता से उठा के आए वहाँ फेंको लेके बुर में, वहाँ लेके पत्ता फेंक दिए और वो चले जाने के बाद जहाँ बैठ के खाते थे उस जगह को पूरा खुदाई किए, खुदाई करके मिट्टी से बाहर फेंके और नया मिट्टी ला के डाल के गोबर में फिर लिप के फिर लिप रही थी। तो रामानुजाचार्य वापस आए तो ये भी खा के चले गए। बोले आपका अतिथि आ गया, खा पी के चला गया। बोला अच्छा कांचीपुरम आके कुछ उचिष्ट रखे हो, कुछ उनकी उचिष्ट, कुछ उचिष्ट शूद्र का उचिष्ट खाना है हैं, मैं इसको सब फेंक दिया। हाँ उसी को उन्हीं को ही बोला, वो लेके फेंक दिया उधर लेके गाड़ा में ट्रेन में डाल दिया। और ये देखे ये बैठा था इधर इटी बड़ी खाता था हाँ, इसलिए मैं इसको सब मिट्टी के उठा कर दोबारा इसको या क्या लीप कर इसको पूरा है साफ जगह सफाई कर दिया है। बोले कि रामानुजाचार्य बड़े दुखी हुए हैं, बोले कि ऐसे पत्नी मेरी रहेगी कैसे मेरी भक्ति होगा, वैष्णव की संगति कैसे, वैष्णव के आशीर्वाद मुझे कैसे मिलेगा। कुछ बोले नहीं, बहुत दुखी हुए, खाए नहीं, बिना खाए रहे। दोबारा फिर मिलने के लिए कांचीपुरम के पास जा रहे थे, दूसरे साइड में एक ब्राह्मण आ रहा था। उस ब्राह्मण ने कहा देखो मैं तुम्हारे घर में गया था थोड़ा मांगने के लिए, बहुत भूखा था, मैं तुम्हारी पत्नी को बोला कि थोड़ा सा अन्न मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, केदार तो रामन आपके नाम पुकार कर। बोला तो बोला ये क्या फ्री फंड में इधर सब खाने के लिए आ गए, चलो यहाँ से, कुछ नहीं है घर में हमारा। मुझे इतना धिक्कारा, इतना कटु वचन कहा, मैं चुपचाप अश्रु बहाते हुए यहाँ से आ गया। रामानुज आचार्य बड़े दुखी हुए, क्योंकि ब्राह्मण वैष्णव किसी को सम्मान नहीं करती है, क्योंकि ऐसे पत्नी घर में रहना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखे, स्वयं एक पत्र लिखे, वो उनके पत्नी रक्षा कमल के पिताजी के नाम से, क्योंकि बेटी तुम्हारे छोटे बहन का शादी है, कहा अभी शादी इस दिन में और 2-3 दिन बाकी शादी होने वाला, सुबह इमरजेंसी उठ फिक्स हो गया, जल्दी से जल्दी तुम घर में आ जाना है, जल्दी जल्दी घर में आओ, तुम्हारे मैंने हमारा जमाता को भी साथ में लेके आओ, और यहाँ बड़े महोत्सव होने वाला है, जल्दी जल्दी पहुँचो। लेटर लेके दे दिया, ब्राह्मण को एक खोलना नहीं, उसको लेके दे दो, फिर तुमको खिलाएगी अच्छा से।
तो ब्राह्मण लाकर लेटर जो दिया, बोला तुम्हारे पिताजी ने लेटर दिए। बोले अच्छा, आप मुझे से उस समय बोला नहीं था, अभी बोल रहे हो, लेकिन देखिए लेटर, लेटर खुली देखे शादी। क्या मेरे बहन के साथ बड़ा एकदम खुश हो गए तो नाचने लगे। बोले बैठो बैठो, आओ आओ ब्राह्मण, मेरे अपराध क्षमा करो, मैं आपको ऐसे ही बोल दिया था कटु, अभी खिलाता हूँ, बैठो बैठो। बहुत सुंदर अच्छा से खिलाई, खिलाने के बाद ब्राह्मण तो चला गया, लेकिन रामानुजा आचार्य पहुँचे घर में। बोले क्या हुआ, कैसे, नहीं नहीं बहुत खुश, मैं देखो देखो तुम्हारे क्या, मेरे छोटे बहन के शादी है, चले हम ससुराल में चलिए मेरे पिताजी घर में। रामानुज आचार्य सब तो सभी तो वही किए थे, बोले कि मेरे बहुत बिजी हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊँगा, हो सकता है शादी के दिन उसी दिन जा सकते हो, अभी तो नहीं कि मेरे काम नहीं, टाइम नहीं है, आप जाओ, जा सकते जितनी जो चाहिए ले सकते हो, सब अलंकार गहना और वस्त्र सब ले जाओ, और नया साड़ी जरूरत हो तो एक दो सेट में खरीद दे देता हूँ। और तो बड़ा खुश हो गई, अपना पैकिंग पिकअप करके घर में चलेगी। जिस दिन पत्नी घर में गई उसी दिन रामानुज आचार्य बड़े हैं, उस समय तो रामानुज ही थे, गए जाए कांचीपुरम के पास में, अपने दुख व्यक्त किए, वरदराजन को साक्षी रखकर स्वयं दंड बनाए हैं, रामानुज आचार्य स्वयं त्रिदंड बनाए हैं, ये इनको कोई संन्यास गुरु नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वयं त्रिदंड बनाकर वरदराजन को साक्षी रख के ही हैं, वहाँ पर जो दिव्य तलाव है तलाव में स्नान किए, स्नान करके ही कांचीपुरम को साक्षी रखकर त्रिदंड स्वयं त्रिदंड धारण बनाए और स्वयं धारण कर लिए, संन्यास ले लिए स्वयं अपने आप। इसी प्रकार भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी स्वयं को स्वयं संन्यास लिए थे, संन्यास गुरु नहीं है, संन्यास धारण करके ही पूछे वरदराजन को, पूछो इनके सेंक्शन है कि नहीं, कांचीपुरम जो वरदराज से पूछे, वरदराजन कहे कि मैं इनको ये उपाधि दिया, जति जतिराज के रूप में ये जाने जाएंगे, जितनी भी जति समस्त सभी जतियों में से ये सम्राट माने जाएंगे, कौन, रामानुजाचार्य। भगवान के सेंक्शन सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए ये रामानुजाचार्य जीवन में हमको सीखना चाहिए, किसका सेवा करना है, वैष्णव की सेवा है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा। रामानुजाचार्य ये जदियो ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, कांचीपुरम जैसे शूद्र का झुटन खाना चाहते थे, तो इसके इनके दूसरे शिक्षा जो इनके संप्रदाय से हम प्राप्त करना है, क्या, ज्ञान कर्म से भक्ति मुक्त है, भक्ति जो होता है ज्ञान कर्मादि अनावृतम है, अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये जो डेफिनेशन है भक्ति का, ये रामानुज आचार्य शिक्षा है, ज्ञान कर्म कुछ लेना देना नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति इनसे मुक्त है, कर्म का अर्थ सकाम कर्म, कर्म करके कर्मफल को भोगने की जो इच्छा है, और ज्ञान निर्विशेष मुक्ति को, ब्रह्म ज्योति में लीन होने का जो भावना, ये दोनों को त्याग, ये दोनों भक्ति का बाधक है, पिशाची के समान है, भक्त को शुद्ध भक्ति से गिरा देते हैं, इसलिए दोनों से मुक्त है। इसके थोड़ा यदि आगे होगा तो चर्चा करेंगे, लेकिन अभी रामानुज आचार्य जीवन ही हम चर्चा कर रहे थे, बीच में ये कहाँ से आए, लेकिन रामानुज आचार्य जी इनके पिताजी की ने इनके शादी के ठीक एक साल के बाद इनके पिताजी की वियोग हो जाने के कारण माताजी को लेकर आए कांचीपुरम चले गए। कांचीपुरम बड़े पवित्र धाम है, आज भी वहाँ पर हजारों संख्या में लोग जाते हैं, विष्णु कांची और शिव कांची अलग अलग होता, शिवों की भक्त इनके एक कहते शिव कांची और विष्णु भक्त वरदराजन के पास में, वहाँ पर जितने भी कुछ कई विष्णु मंदिर है वामन देव के से मंदिर, ये कहते विष्णु कांची, तो वहाँ पर जाकर कांचीपुरम में रहने लगे माँ के साथ, माँ और पत्नी सब वहाँ रहने लगे। लेकिन जब वहाँ रहते थे वहाँ पर एक विशेष रूप में एक विद्या अध्ययन के लिए जादव प्रख्या नाम से एक बहुत विद्वान व्यक्ति था, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर था और मायावाद शंकराचार्य जी की परंपरा की जो शिक्षा को उन्होंने दूसरों को भी प्रचार करता था, शंकर शिक्षा मायावाद स्कूल के एक प्रवीण विद्वान था। आज भी मायावादी लोग ने उनकी लिखा हुआ किताबों को पढ़ते हैं, किनकी लिखा हुआ, जादव प्रख्या की। ये जादव प्रख्या तो स्कूल में पढ़ाता, तो स्कूल खोल के पढ़ाता था, तो रामानुज आचार्य उस स्कूल में एडमिट हो गए, वहाँ जाके वहाँ पढ़ने लगे। लेकिन रामानुज आचार्य तो वैष्णव थे, उनके माता पिता भी वैष्णव थे, भगवान को व्यक्ति के रूप में मानते थे, और स्वयं शेषावतार स्वयं भगवान विष्णु ही थे, वैष्णव धर्म का प्रचार के लिए आए थे। लेकिन इन्होंने निर्विशेष बात का ही प्रचार कर रहे थे, तो एक दिन रामानुज आचार्य जो स्कूल में बैठे हैं
ये ज़्यादा प्रख्या नहीं, ये छंदोग्य उपनिषद के जो कि पहला विभाग के छठा अध्याय के सात नंबर श्लोक को व्याख्या कर रहे थे हैं। कहते कि तस्य यथा कप्यासम पुंडरिकामिव मक्खिणी। ये श्लोक को ऐसे वो जो छंदोग्य उपनिषद के श्लोक को ना व्याख्या करी करते थे कि यहाँ पर जो कप्यासम शब्द उपयोग किए गए इसमें, कप्यासम अर्थात बंदर है, बंदर का पिछले भाग है, बंदर का पिछले भाग का जैसे कलर है ऐसा कलर किसका कलर है ना, पुंडरिकमिव अक्षिणी। पुंडरिक भगवान विष्णु की ही आँख का रंग जो कैसे हैं, भगवान की आँख का रंग कैसा है ना, बंदर का, एक बंदर का पिछले भाग जैसे होता है, बंदर के जैसे चलता है देखें लाल लाल देखता है उसके पीछे भाग, तो वैसे बंदर का पिछले भाग जैसे। उस समय रामानुज आचार्य खड़े होकर, रामानुज खड़े होकर अपने गुरु को मैसेज कर रहे थे, खड़ा होकर वो बैठे थे, बैठ के मैसेज कर रहे थे पीठ में ऐसा। इसको सुनकर उन्हीं की आँख से बहुत दुखी हो गए कि भगवान के आँख का कलर को वो क्या किसके साथ तुलना कर रहे हैं, बंदर का पिछले भाग हैं, ये कैसा है हैं, बंदर का गुद्दा के आप पीछे जो लाल लाल दिखते ऐसे ही। इसको सुनकर वो तो धैर्य धारण नहीं कर पाए, उनके आँख से गए अश्रु टपकने लगा, दुखी हो गए। लेकिन वो अश्रु कैसे था, दुख में जो अश्रु गिरता कैसा होता, गर्म अश्रु उनकी पीठ में डाल गए। और जयदेव क्या हुआ, बोले कि गर्म गर्म का अश्रु का देखे कि रामानुज रो रहा है, रो रहा क्यों, क्या हुआ, तुझे कष्ट हो रहा मुझे मैसेज करने में। बोले नहीं गुरुदेव, आपकी जो व्याख्या है इसको सुनकर मेरी दुख में मेरा आँख से अश्रु आ गया। पुंडरीक भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की आँख को अपने बंदर के पिछले भाग के साथ तुलना कर रहे हैं। बोले तू क्या ज़्यादा व्याख्या जानता है, मेरे से ज़्यादा जानता है, हैं, ये तो शंकराचार्य की व्याख्या है, तू शंकराचार्य से भी बड़ा बनना चाहता ना क्या, हैं, क्या व्याख्या तुम तो हमको सुनो, तुमको कैसा व्याख्या करना है इसको। यदि वो रामानुजाचार्य हैं उनकी तुलना में इतने ज़्यादा वयस्क के नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत ही उसकी व्याख्या करने लगे। तो उन्होंने कहे कि देखो ये कप्यासम है का अर्थ कैसे हो सकता है ना, कम जल पीबती इति कपि। कपि किसी को कहते हैं जो जल पीता है, जल कौन पीता है, सूर्य। इसलिए कपि का अर्थ भी क्या है, सूर्य। आशका मीन्स ब्रुजम है, आशा कप्या आशा है, जो प्रफुल्लित होता है किसको देखकर, सूर्य को देखकर प्रफुल्लित कौन होता है, कमल। तो इसलिए भगवान की आँख तो कमल के खिले हुए कमल के पंखुड़े जैसे हैं, ऐसे रंग ऐसे ही सुंदर खिले हुए कमल के समान भगवान की आँख, इनको पद्म लोचन कहते हैं, पद्मा हैं, जैसे कुंती देवी ने प्रार्थना की है कमल पत्राख्य कहते हैं, कमल पत्राख्य हैं, कमल के दल के पंखुड़े जैसे आँख हैं। इसलिए तो उन्होंने कहे कि भगवान की आँख ऐसा है जो परम पुरुष के, भगवान की आँख ऐसा ही है जो कि खिले हुए कमल के समान उनकी आँख, और कमल की पकड़े के भीतर भाग जैसे थोड़ा सा लड़िमाजुक्त रहता है, ऐसे ही भगवान की आँख की जो लड़िमाजुक्त है। तो ऐसे व्याख्या को सुनकर बड़ा नाराज हो गया कौन, बोला अच्छा तो मेरे से भी ज़्यादा पंडित देखा रहा है, शंकराचार्य को भी तुम ओवर मैंने व्याख्या को नष्ट करके तुम अपना व्याख्या प्रतिष्ठित कर रहा है। तब से बड़ा गुस्सा होने लगा, बोला कि ये एक जहर है, ये मायावाद को बात में खंडन करके प्रचार करेगा और कुछ है, ये शंकराचार्य के मत को खंडन करेगा। उस समय तो बड़ा थोड़ा सा धैर्य धारण करके रह गए, लेकिन और कई बार ऐसे ही इनके चर्चा होने लगा। एक दिन उन्होंने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है उपनिषद के वचन को व्याख्या कर रहे थे, तो उन्होंने कह रहे कि नहीं ये एक एट्रीब्यूट ने ये ऐसा नहीं है, तो जब ब्रह्म है वो सत्य है ज्ञान अनंतम ब्रह्म, लेकिन रामानुजाचार्य इसको व्याख्या करके कहे कि नहीं ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये सब ब्रह्म का क्या है, गुण है, ये ब्रह्म नहीं ब्रह्म का गुण, क्योंकि वो निर्विशेष व्याख्या कर रहे थे, भगवान का कोई रूप नहीं है गुण नहीं है, भगवान निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति स्वरूप है, वैसे उनकी व्याख्या।
लेकिन ये इसको व्याख्या करते कि नहीं, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ये ब्रह्म का भिन्न भिन्न गुण है। इसे कहे कि इन्होंने व्याख्या करने लगे, बोले कि अरे तू हमेशा मेरे व्याख्या को खंडन करके अपना व्याख्या, तब तू तो हाँ तू टीचर मैं हूँ कि तू टीचर है, हैं तू तो मेरा पंडित, मेरे युक्ति को सारे जिस व्याख्या में कर रहा हूँ ये शंकराचार्य की व्याख्या है, मैं तुमको सुना रहा हूँ और तू शंकराचार्य के मत को बार बार खंडन कर रहा है, हैं ऐसे ही बार बार कई बार हो गया। और एक बार उन्होंने व्याख्या कर सर्व खड़ुम इदम ब्रह्म है, जगत मिथ्या ब्रह्मन सत्य, तो रामानुजाचार्य की व्याख्या करने लगे नहीं मिथ्या नहीं, ये मिथ्या नहीं है, ये क्षणिक है, सत्य से जो कुछ उत्पन्न हुआ वो भी सत्य है। तीसरी बार जो हो गया तो और संभाल नहीं पाए, बोला गेट आउट, तू अपना स्कूल खोल फिर है। लेकिन इस मन को रखा था भाव से, फिर भी रामानुजाचार्य दंडवत प्रणाम करके गुरु से माफ़ी मांग ली। लेकिन सारे शिष्यों को बैठा कर एक बार वो कैसे इष्टकुष्टि करने लगा, कौन जादव प्रख्या, कहा कि देखो ये कंटा है कि ये हमारे जो मायावाद शंकराचार्य के संप्रदाय को रक्षा करने के लिए इसको समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में अभी बचपन ये इतनी ज़्यादा यंग है, अभी से ही ये सब शुरू कर दिया है, 16-17 साल की उम्र में थे, 16 साल में उनकी शादी हो गया था, 17 साल, बोले कि इसको चलो सबको बैठा कर इष्टकुष्टि करके, कहे कि रामानुजाचार्य नहीं थे उसमें, कहे कि इसको हम जाएंगे अभी बोलेंगे प्लान बनाएंगे काशी जाएंगे, वाराणसी जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत में थे ना ये हैं कांचीपुरम में, लेकिन प्लान बनाओ और इसको भी साथ में लेके जाएंगे, लेके जाके वहाँ गंगा में इसको क्या करेंगे ढकल के इसको समाप्त कर देंगे, जब स्रोत जाता है तो गंगा में ढकल के इसको वहीं फेंक गंगा में ही बहा देंगे, नहीं तो ये यदि बच के रहेगा भविष्य में हमारा संप्रदाय का सभी सब सर्वनाश करेगा। ये बात तो रामानुज को पता नहीं था, सब प्लान दिए, ये भी राजी हो गए अपने माता कांतिमती से अनुमति लेकर, फिर इनकी यात्रा में चला दी, चल गए यात्रा में। लेकिन जब पने पहुँचे वाराणसी, वाराणसी पाए पहुँचे एक दिन सब कहले चलो चलो गंगा की साइड में कुकिंग वॉकिंग करते हैं, गंगा साइड में चलें, क्योंकि प्लान था कि गंगा साइड में ऐसे चलते चलते ये जो नदी के निकट में आ जाएगी जहाँ ज़्यादा स्रोत आता होगा क्या करेंगे इसको रामानुज को धक्कल देंगे पानी में, डुबा देंगे जबरिया इसको डुबा के फिर मार डालेंगे तभी। लेकिन रामानुज आचार्य के एक मासी का लड़का था, उसका नाम गोविंद था है, वो भी उसमें पढ़ता था, लेकिन उसको कैसे भी थोड़ा सा पता लग गया था ये ऐसे ही प्लान कर रहे हैं, सबको पता नहीं था कि ये भी रिलेटिव है रामानुज के, लेकिन इसने जब चल रहे थे गंगा किनारे वो कैसे भी भाग भाग के कैसे साइड करके इसके साइड में आ गया, आके कहा कि रामानुज जीना है तो तुरंत यहीं से भाग जाओ, ये सारे प्लान किए तुझे मार डालेंगे, तुम्हारे टीचर जो ज़्यादा प्रख्यात प्लान किया है गंगा में धक्कल के मार डालेंगे तुझे, तो यहीं से भाग जा नहीं तो तुम जान नहीं रहेगा। रामानुजाचार्य बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, तो उन्होंने लेकिन अपने छोटा भाई का बात को तो विश्वास किए, गोविंद का बात को ये कभी झूठ नहीं कहता, तो उन्होंने वहीं से ही सभी लोग चल रहे थे लेकिन थोड़ा सा कुछ का बहन करके बैठ के तुरंत ही वहीं से जंगल के अंदर घुस गए, गंगा के किनारे जाते तो हटात रास्ता बदल कर गंगा के अंदर में नहीं सॉरी जंगल के अंदर में भागने लगे, हाँ 2-3 घंटे तक सीधे भाग रहे थे जैसे कोई पीछे से इनको पकड़ न ले, लेकिन पता चला कि ये मारा इनको मर्डर करने के लिए लेके आए साथ में, तब देख रहे थे कि एक बहलिया है जो सवर जात के जो पति पत्नी दोनों वहाँ घूम रहे आ रहे थे, रामानुजाचार्य पूछे आप लोग उसको देख रहे, बोले बेटा तू कहाँ से आ रहे हो ऐसे भाग रही हो जंगल में, अभी शाम हो गया अंधार हो गया तुम कहाँ घूम, तो उन्होंने कहे कि मैं साउथ इंडिया की हूँ कांचीपुरम की हूँ, आप लोग मैं कांचीपुरम के रास्ता जानना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहे कि हम ही जा रहे कांचीपुरम चलो हमारे साथ चलो, कह के ही उनके साथ थोड़े दूर गए, बोले तो रात हो गया ही विश्राम लेते हैं हैं कहीं नदी को हम थोड़ा सा जलाशय देखकर वहीं विश्राम लिए। लेकिन सुबह सुबह जब सो रहे थे उठे सुबह सुबह दो जो जो माता थी तो उन्होंने उठ के कह रही मुझे प्यास लग रही है मुझे पानी चाहिए पीने हैं, उनके पति कह रहे थे कि जो बहलिया कह रहा था कि अरे थोड़ा वेट करो अभी थोड़ा रात
बीत जाए फिर हम जाके पानी तो पियेंगे, पानी फिर ढूंढ लेंगे जलाशय पियेंगे। रामानुजाचार्य सुनते थे, थोड़ा तो सो गया, जब ब्रह्म मुहूर्त होने लगा बोले रामानुजाचार्य जग गए। जग के बाहर आकर देख रहे थे कि पास में ही वो तालाब दिख रहा था, एक बड़ा तालाब में से नीचे उतरे, उतर के पानी पहले मुख धोए, मुख धो के उनकी याद आ गई, वो पानी मांग रही थी माता जी, अपने हाथ से पानी ऐसे लेकर आए, पानी उसको पिलाए एक बार दो बार, फिर तीसरी बार जो पानी ले पानी लेने के लिए गए, आके देख रहे कि वो सबर और सवरणी वो जो दोनों पति पत्नी वहाँ से कोई नहीं, अंतर ध्यान हो चुके हैं। उन्होंने बड़ा आश्चर्य लगा, देखे कुछ लोग उधर घूम रहे हैं, टटर दोनों पूछे ये जगह कौन सा जगह है, कौन सा गांव है। बोले अरे तुझे देखे नहीं पड़ता, तुमको तो हम कई बार यहीं देखे हैं, ये कांचीपुरम है, ये भरत राजन के मंदिर का वही प्रसिद्ध तालाब है, हाँ, और तुम कैसे पूछ रहे हो, तुमको पता नहीं लग रहा कौन सा है, ये वही स्थान है। तभी तो रामानुजाचार्य जी को आंख से अश्रु की धारा बहने लगा, वो समझ गए एक रात में लाकर यहाँ पहुँचा देना कांचीपुरम, कहाँ से वाराणसी में एक महीने चलते चलते इतने दूर पहुँचे थे, हैं कांचीपुरम में चल चल के एक महीना लगे वहाँ तो वाराणसी पहुँचने के लिए, अभी वहीं से वो भागे थे और एक रात में आगे पहुँच गए, कहाँ कहे कि ये दोनों जो भाग गए कोई साधारण नहीं है, लेकिन भगवान ने शून्यवाणी से इनको आश्वासन दिए, ये चिंता मत करो, हैं समझ के स्वयं भरतराजन ने मुझे वहाँ से एक रात में आला कि यहाँ पहुँचा दिए, हैं लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा है, समझ गए वो जब सबर और सबरणी थे वो कौन थे, साक्षात लक्ष्मी और नारायण थे। तो तुरंत ही वहाँ स्नान करके फिर उन्होंने आप वरदराज के दर्शन, वरदराजन के दर्शन करके कांचीपुरम के दर्शन किए, सारे घटना कांचीपुरम को सुनाए, कांचीपुरम बड़े खुश हुए, कहे वरदराजन तुम्हारी रक्षा किए। तो अपने माँ के पास गई, माँ ने कही कि बेटा तीर्थ यात्रा से आ गए, बोले हाँ, लेकिन माँ को इस बात डिटेल नहीं कहे, लेकिन केवल वरदराज ने किसको कहे थे, कांचीपुरम को। वहाँ से तो उनके गुरु लोग ढूंढने कहाँ गया ये रामानुज, तो सब लोग बोले कि अरे तो कोई जंगल में खा गया, हम तो देख रहे थे जंगल की तरफ भाग रहा था, लग रहा है शेर खा गया इसको है। तो ये लोग सब मिल के थोड़ा सा शोक ऐसे बाह्य शोक किया है, बाह्य शोक करके तो रामानुज का नाम में सो कुछ तर्पण फर्पण कर दिए पानी में गंगा में करके सब बोले कि जाए गाँव में ही बोल देंगे रामानुज तो कहाँ गया। हाँ यादव प्रख्या कहा कि हम तो इसको जान में मानना चाहते थे, भगवान ने इसका व्यवस्था कर दिया, विश्वनाथ ने इसके सब काम कर दिया। जो वापस आए, आपस आके देख रहे कि कौन है, अरे रामानुज तो यही घूम रहा है। रामानुज भी कुछ नहीं जानते, जैसे जाकर फिर यादव प्रख्या को प्रणाम किए, लेकिन सब पता था इनको है। यादव प्रख्या फिर बड़े चिंतित रहे, बोले इसको मारने के लिए तो फिर कैसे बच के आ गया इधर है। लेकिन उस समय वहाँ पर चोलराज जो शासन कर रहे थे, तो उनकी कन्या को कांचीपुरम के जो राजा थे उनको एक ब्रह्म राक्षस उनके शरीर में आवेश हो गया था, वो चिल्लाती थी पागल की तरफ काम चिल्लाती थी, अगर खाते नहीं थे पीते नहीं थे, उत्कट होते करते ऐसे उत्पात मचाती थी दिन रात। कई लोग कई तांत्रिक बड़े बड़े तांत्रिक लोग सब आए हैं, इनको ठीक करने के लिए कोई भी ठीक नहीं कर पाता था। ये यादव प्रख्या भी तंत्र मंत्र जानता था, इसको भी जानता था, यादव प्रख्या को भी लेके गया, इसको देख कर कहा कि वो ब्रह्म राक्षस ने चिल्लाने लगा, तू आया इधर है, तू आया मर्डर करने के लिए प्लान किया था उसको तुम्हारे शिष्य को है, तुमको मैं जानता नहीं, सब उसको समझ नहीं पाते क्या बोल रहे, गेट आउट यहाँ से, तुझे खा जाऊंगी पूरा, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, चिल्लाने लगे कि यदि तू मुझे ठीक करना, मुझे ये शरीर से निकाल के जाना चाहते, तुम्हारी शिष्य को भेज, किसको, रामानुज, वो आकर यदि उसके चरण मेरे शरीर में धारण करेगा मैं यहाँ छोड़ के चले जाऊँगा। राजा सुन रहे थे तो तुरंत ही भेजे, ज्यादा पक्के नहीं चाहता था रामानुज आज को भेजे, लेकिन राजा ने भेजे तो आए, और रामानुज को देख कर तुरंत ही ब्रह्म राक्षस क्या करने लगा, प्रणाम करने लगा। रामानुज जाकर उसके सिर पर अपने चरण धारण करते ही वो राजकन्या को छोड़ के चला गया, राजकन्या फिर प्रकृतिस्थ हो गई है, सुस्थ हो गई। इसी प्रकार रामानुज आचार्य ख्याति आस्ते आस्ते बढ़ने लगा, कहाँ कांचीपुरम में समय भी हो गया है,
रामानुज आचार्य के जीवन में विशेष रूप में है, इन्होंने गुरु रूप में किसको चुनना चाहते थे? जमुनाचार्य। जमुनाचार्य ये उस समय रहते थे श्रीरंगम में, रंगनाथ जी के पास रहते थे, और ये रामानुजाचार्य रहते थे कांचीपुरम। एक दिन लेकिन जमुनाचार्य एक बार कांचीपुरम दर्शन करने के लिए आए थे, वरद राजन उन्होंने रामानुजाचार्य को दूर से देख कर ही पहचान गए थे। हाँ, ये तो एक क्या जलता हुआ सूर्य के समान है, बड़े ये निश्चित रूप में ये व्यक्ति दैवी गुण संपन्न है, और उन्होंने चाहते थे कि भविष्य में यही व्यक्ति मुझे लग रहा है कि ये वैष्णव दर्शन को जगत में प्रचार करने में सक्षम होगा, सोचे थे। लेकिन देखे कि ये जादव प्रख्या के साथ में है, देखकर बड़ा दुखी हुए थे। लेकिन बाद में जब अंतिम समय हुआ, जब जमुनाचार्य शरीर त्यागना चाहते थे, तो अपने शिष्यों को भेजे, हैं महापूर्ण को भेजे, बोले जाके उसको लेके आओ। किसको? रामानुज को लेके आओ। तो उन्होंने आए, और रामानुज आचार्य भी सुने थे जमुनाचार्य के बारे में, वो भी मन में सिद्धांत लेते कि उनको गुरु बनाएंगे, लेकिन कोई संजोग नहीं हो पाया था। अभी सुने कि जमुनाचार्य बुला रहे, तुरंत वो जा रहे थे वरद राजन के लिए पानी भर के देने के लिए, अभिषेक के लिए, तो वहीं से पानी रख कर ही गगरे मंदिर में वहीं से निकल गए, घर में भी नहीं आए थे। लेकिन जाकर जब पहुँचे श्रीरंगम में, तभी ये पहुँचने के पहले ही देहांत हो गया था। किनकी? जमुनाचार्य शरीर त्याग चुके थे, लेकिन शरीर तो त्याग, लेकिन देखते थे, सब लोग देख रहे थे, उनके तीन अंगुली ऐसे ही खड़े हुए, ऐसे तीन अंगुली ऐसे ही रखा। कोई व्यक्ति मर जाने के बाद क्या होता? सीधा हो जाता ना, पर खुला हो जाता है, कहते ना मुट्ठी बांध कर आए बंदे, हाथ पसार कर, लेकिन उनकी हाथ ऐसे तीन अंगुली ऐसे ही है, ऐसे खुले, तीन ऐसे ही नहीं, सिर्फ बंद थे, ये दो अंगुली बंद थे। बंद क्यों? कैसा है? बड़ा रामानुजा सतर्कता से देखे तो समझ गए रामानुज आचार्य की ये क्यों ऐसा ही तीन अंगुली क्यों बंद करके रखे। रामानुज आचार्य प्रणाम करके ही, जमुनाचार्य के चरण स्पर्श करके ही उन्होंने पहले कहने लगे, कह कि मैं अवश्य वैष्णव धर्म को रक्षा करूँगा, भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान नारायण को ही परम पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए मैं ये रामानुजेश्वरी जो जमुनाचार्य के मार्ग को अनुसरण करते हुए इस संप्रदाय की शिक्षा को मैं रक्षा करूँगा, वैष्णव धर्म का प्रचार करूँगा। इतने कहते ही एक अंगुली उठ गया, इसका जो बंद था तीन अंगुली से एक खड़े हो गए। उसके बाद कहने लगे, दूसरी बार कहने लगे कि वैष्णव दर्शन को प्रमाणित करने के लिए मैं वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखूंगा, जिसकी भाष्य के नाम रहेगा श्री भाष्य। एक कहते ही दूसरी अंगुली खुल गए। तीसरी बार उन्होंने कहने लगे कि विष्णु ने विष्णु पुराण की सिद्धांत, विष्णु पुराण के जो लेखक पराशर मुनि के आधार, जो उन्होंने विष्णु पुराण की रचना की है, उनके सिद्धांत के आधार पर जीव और भगवान में सामंजस्यता और भेद और अभेद, इसको मैं निर्णय करके ही प्रमाण करूंगा, कृष्ण ने भगवान विष्णु ही परम भगवान है और जीवात्मा उनके नित्य दास है, इस सिद्धांत को मैं प्रतिष्ठित करूंगा। ये बात कहते ही तीनों अंगुली खड़े हो गए, पर पांच अंग बस। सभी लोग जय जयकार करने लगे, कहे कि प्रकृति में जमुनाचार्य के बात में ये सिद्धांत को जगत में श्री संप्रदाय के सिद्धांत को वैष्णव दर्शन का प्रचार करने के लिए जमुनाचार्य ने इन्हीं को ही एम्पावर किया है। किसको? रामानुजाचार्य। तब से सभी लोग इनको आचार्य कहने लगे। किनको? रामानुजाचार्य। लेकिन रामानुजाचार्य सोचे कि मैं कैसे आचार्य बनूंगा गुरु, तो मैं बहुत रोने लगे, क्योंकि जमुनाचार्य को उन्होंने आप गुरु मानते थे, लेकिन दीक्षा तो नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने कहे कि वहीं से प्रणाम करके जमुनाचार्य के चरण को स्पर्श करके उनकी अंतिम क्रिया समाप्त होते ही आगे रंगनाथ को दर्शन करने के भी नहीं गए। कहे कि जिस प्रभु भगवान ने इतनी निर्दय है, मैं आने तक तो जिला ही रखना था, जीवित रखना था, किनको? जमुनाचार्य। मैं उनके दर्शन भी नहीं कर पाया है, ऐसे रो रो कर फिर वापस आ गए थे कांचीपुरम। लेकिन बाद में फिर महापूर्ण फिर आए इनको लेने के लिए, महापूर्ण कुछ दिन, तो इनसे कहा जाता कि महापूर्ण से ही उन्होंने दीक्षा लिए, उनको गुरु रूप में माने थे।
लेकिन बाद में महापूर्ण इनको कहे कि मेरे और एक गॉड ब्रदर है जिन गोष्ठीपूर्ण, इन्होंने प्रकृत में सिद्ध मंत्र सिद्धि किए हैं, हैं उनसे आप मंत्र प्राप्त करेंगे तभी आप बहुत मैंने भगवान को साक्षात दर्शन करने में बहुत जल्दी सक्षम हो जाएंगे। इस बात को सुनकर उन्होंने गोष्ठीपूर्ण के पास में दीक्षा लेने जाते थे। ऐसा ही 18 बार गए लेकिन गोष्ठीपूर्ण दिखा नहीं देते, बार बार कुछ ना कुछ करके टालते थे। हैं अंत में उन्होंने जब पूरे जो संकल्प ले लिए कि यदि दीक्षा नहीं देंगे मैं यहीं पर उपवास करते हुए शरीर ही त्याग दूंगा, अंत में फिर उन्होंने उनको दीक्षा दिए, मंत्र बताया ओम नमः नारायणाय। तो मंत्र दिए, मंत्र दिए कहे कि देखो इस मंत्र को प्रचार नहीं करना, किसी को देना नहीं दूसरों को जब तक गुरु आदेश नहीं है, मंत्र किसी को नहीं है। बोले क्या होगा ना, यदि कोई भी ये मंत्र इस मंत्र को उच्चारण करेगा वो इसका करोड़ों जन्म की पाप नष्ट होते हुए वो वैकुंठ पहुँचने की अधिकारी बन जाए, वैकुंठ चले जाएगा, वैकुंठ प्राप्त कर लेगा। और यदि कोई मंत्र बोलेगा ये मंत्र दूसरों को देगा गुरु आदेश को उल्लंघन करके क्या होगा ना, वो नरक में जाएगा। रामानुजाचार्य जब तुरंत ही गए मंत्र प्राप्त किए है, प्राप्त करके वो श्रीरंग रंगनाथ मंदिर की गोपुरम देखे कितना ऊंचा, जो गए गोपुरम में चढ़ के ऊपर में खड़ा हुए, सब लोग बोले क्या कर रहे हैं क्या कर रहे, बोले इधर आओ सभी लोग आओ उधर इकट्ठी हो जाओ मैं कुछ देने वाला हूँ। हजारों संख्या में लोग आकर चारों साइड घिर गए, घिर गए तो जोर से बोलने लगे, बोला सब लोग मेरे पीछे बोलो ओम नमः नारायणाय। और जोर जोर से वो नारायण कर रहे, सब लोग नाच रहे, इनके एक भागी भाग की जाके उनके गुरु को बोला, बोला अभी जिसको दीक्षा दिया ना मंत्र दिया बोला किसी को बोलना नहीं, वो सबको देखो पब्लिकली बोल रहा सब, वो ऊपर चढ़ गया पागल है, ऊपर चढ़ गया किसको मंत्र दिया। गोष्ठीपूर्ण में आकर बोले देखिए कि अरे क्या कर रहे हो रामानुज, रुको 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 उतरो नीचे। बोला गुरुदेव है क्या हुआ, मैं तुमको मैं अभी अभी दीक्षा देकर बना के मंत्र किसको नहीं देना, और तुम जाकर ऊपर में चढ़कर हजार लोग को मंत्र को सबको पब्लिकली दे रहा, तुम नरक में जाओगे। गुरुदेव लेकिन आपने तो ये कहा था कि इस मंत्र का कोई भी उच्चारण करेगा क्या होगा, करोड़ों जन्म की प्रारब्ध से मुक्त होकर वो वैकुंठ चले जाएगा। हे इतनी हजारों संख्या में लाखों संख्या में लोग यदि वैकुंठ चले गए, मैं अकेले नरक में रहने से क्या हानि है, ऐसे स्थिति में मैं नरक में रहना पसंद करता हूँ, ये है आचार्यों की लक्षण है। हाँ स्वयं नरक में रहकर भी सारे जीवों को भगवद्धाम भेजना चाहते हैं। हैं इसलिए जैसे वासुदेव दत्त थे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद में, उन्होंने भी यही कहा महाप्रभु को, मुझे वरदान दीजिए कि ये पृथ्वी में नहीं, ये तो आपके सृष्टि में 84 लाख जोड़ी में जितनी भी जीवात्मा है सभी के पाप मुझे आप दीजिए, मैं सभी का पाप कर्म को भोगते हुए आप प्रलय नरक में रहूं, लेकिन ये सारे जीवात्माओं की जन्ममुक्ति संसार से मुक्त हो जाए, ये भावना किसकी होती है, आचार्यों की। तब इसलिए रामानुज आचार्य पतित पावन है, पतित को उद्धार करने के लिए उनकी भावना कितने शुद्ध है, इसलिए गोष्ठीपूर्ण बात में समझ गए, हर प्रणाम करने लगे, बोले उत्तरों कहे कि प्रकृति में तुम ही मेरी गुरु हो, तुम मुझे आज सिखाए आचार्यों की भावना कैसे होना चाहिए। इसी प्रकार रामानुज आचार्य कई कारण कई इनके दिग्विजय तो कई मैंने पूरे भारत में कहीं भी गए, सर्वत्र मायावादियों को मायावादी दर्शन को खंडन करके ही वैष्णव सिद्धांत को उन्होंने प्रतिष्ठित किए हैं। इन्होंने धरा पर लगभग 120 साल जीवित थे, हैं 120 साल 1017 से लेकर 1137 तक, लगभग 120 साल धरा पर थे। जब तक जीवित थे इनके सामने कोई तर्क करने के लिए नहीं, आज तर्क करने के लिए आकर कोई भी सफल नहीं हुआ था। इन्होंने ही श्री भाष्य लिखे, बोधयन स्मृति से लिखे, लेकिन बोधयन स्मृति कहीं था नहीं वो, लेकिन मायावादी लोगों ने इसको छुपा कर रखे थे, उनके जो सिंगरी मठ में वहाँ छुपाए रहते सरस्वती उनके पीछे, रामानुज आचार्य पता लगा वो बोधयन स्मृति में मैंने इस सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत की बहुत सुंदर व्याख्या है, तो उन्होंने गए उधर रात को रहे, लेकिन उनको मांगे क्योंकि आपके पास मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ बोधयन स्मृति है, उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं इधर नहीं कुछ है,
रात में उन्होंने सरस्वती जी को ध्यान करते थे, सरस्वती देवी ने स्वयं अपने हाथ से लाके दे दिए इनको, किनको, रामानुज को, ले जाओ ये, लेकिन भागो यहाँ से, तुमको नहीं तो पकड़ लेंगे। लेकिन सरस्वती देवी जब दिए बोधन स्तुति के लेकर, उस स्तुति वहाँ से श्रृंगेरी मठ से भाग रहे थे, साथ में उनके एक शिष्य था कुरेश, रामानुज आचार्य जी कई महान शिष्य में से सबसे पहला शिष्य इनके जो फास्ट दिखा दिए थे जगदीश, उसके बाद उन्होंने फिर कुरेश को दिखा दी। कुरेश बहुत बड़े विद्वान थे, धी शक्ति उनके प्रचंड था, लेकिन वो रास्ते में आते आते उनको पढ़ लिए पूरा बोधहीन स्मृति को एक रात में वो पढ़ लिए कुरेश ने। दूसरा दिन सुबह सुबह जो ये लेके आ भाग के बोले कि वो लोग ने अपने लाइब्रेरी को सब दोबारा सजा रहे थे, वो मिला नहीं। वो बोले कि ये बाबा आया था, यही भागा होगा, लेकिन उनका पीछे पीछे भाग के आए, भाग के आए कि सब पकड़ लिए रास्ते में, पकड़ लिया, देखे कि ये तो है इनके पास, छीन के ले गए। फिर रामानुज आचार्य बहुत रोने लगे हैं, क्या होगा भूत, लेकिन कुरेश कहा कि गुरुदेव चिंता मत करो, मैं पूरा पूरे की पूरा क्या याद कर लिया, पूरे श्लोक उन्होंने गाय के सुना दिया सारे श्लोक, हाँ कितने धी शक्ति था। इस प्रकार गुरु सेवा वैष्णव से के लिए कुरेश भी बड़े प्रसिद्ध है, क्योंकि उस समय जो राजा थे रामानुज आचार्य जी, ख्याति जो बढ़ने लगा कांचीपुरम के जो राजा थे वो शिव भक्त थे, हाँ शिवाइट, शक्ति और शंकर की विश्वास करने वाले, तो उन्होंने सर्वत्र शिव जी को भगवान के रूप में प्रचार करते थे। देखिए कि रामानुज ये विष्णु को भगवान प्रचार कर रहे हैं, बोले कि नहीं ये बंद करो इसको प्रचार, मेरे राज्य में केवल शंकर जी का प्रचार होगा। तो इसलिए कहे कि रामानुज का पकड़ के लेके आओ, यदि वो मान लेगा तो राज्य में रहेगा, नहीं तो इसको मैं तो इसका आँख उखाड़ लूँगा। ये सब बात जब फैलने लगा, रामानुज आचार्य जाने वाले थे, लेकिन कुरेश कहा कि नहीं गुरुदेव, हम आपको जाने नहीं देंगे, ये तुमको जान से मार सकता राजा। कुरेश ने स्वयं अपने ड्रेस पहना, रामानुज आचार्य जैसे ड्रेस पहन के, सन्यासी पहनकर दंड लेकर पहुंच गया। कुरेश को तो जुक्ति में कोई परास्त नहीं कर पाया, सभी को जुक्ति में परास्त कर पर लास्ट में क्रोधित होकर राजा ने उनके दो आँख निकाल लिया था। अंधा होकर जब आए खून निकाल रहा था, तो रामानुज आचार्य कहे कि हे कुरेश, धन्य है तेरे त्याग, मेरी मुझे बचाने के लिए तू अपने आँख को खो दिया, तुम जाओ वरदराजन को मांगो आँख, फिर तुम्हारे आँख भगवान दे देंगे। लेकिन वो बार बार जाते थे कुरेश भगवान के पास, कहते थे कि हे प्रभु, ये जो राजा कृमिकंठ ये क्या किया जानता नहीं, अज्ञान है, प्रभु इसको क्षमा कर दीजिए। रामानुज आचार्य बहुत गुस्से हुए, बोले तू वैष्णवता दिखा रहा, गुरु आदेश को पालन कर, मैं गुरु आदेश दिया ये बात कह, ये गुरु जी के आदेश है। तो जब तीसरी बार फिर गए जाकर कहे कि गुरुदेव का आदेश है कि मेरे आँख फिर दोबारा वापस आ जाए, इतने कहते ही तुरंत उनकी आँख फिर वापस आ गए हैं। तो कई कहानी, अद्भुत कहानी है। रामानुज आचार्य के दिग्विजय पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने सारे भारत में भ्रमण करते हुए सर्वत्र जाए दिग्विजय किए, वैष्णव सिद्धांत को प्रतिष्ठित किए। ये पहला वैष्णव आचार्य, उनकी बात अन्य आचार्य से आए, माधवाचार्य फिर अन्य आचार्य आए, लेकिन ये बहुत रहस्यमय इनके जीवन है, सारे को चर्चा करना संभव नहीं है। लेकिन ये रामानुज आचार्य की जीवनी से चैतन्य महाप्रभु ने इनके सिद्धांत से दो बात हमको शिक्षा दिए हैं, एक है वैष्णव की सेवा, दूसरा भक्ति जो है ज्ञान और कर्म से मुक्त है। ये दोनों सिद्धांत उनसे हम लिए। महाप्रसाद की महिमा को भी दिखाने के लिए रामानुज आचार्य एक बार अपने रंगनाथ मंदिर के पीछे, वहाँ तालाब है, कुछ रंगनाथ जी के महाप्रसाद लेकर जाते थे, उस तालाब में सब जो मछली खेल रहे थे, मछली के ऊपर फेंके, मछली सब आकर क्या करने लगे, महाप्रसाद को खाने लगे। जब रंगनाथ जी के महाप्रसाद को खाने लगे, सारे मछली एक एक चतुर्भुज रूप धारण करके ही सब वैकुंठ चलने लगे हैं, वैकुंठ से विमान आकर सबको लेके जा रहा था। सो आश्चर्य हो गए देखने, बोले गुरुदेव ये क्या लीला कर रहे हैं, हम भी तो डेली महाप्रसाद खा रहे हैं, तो हम नहीं जा रहे हैं भगवत धाम, अरे ये मछली कैसे सब खाली खा के सो भगवत धाम पहुँच गए हैं। क्योंकि महाप्रसाद की महिमा है, लेकिन ये निष्कपट है, इनकी कपटता कुछ नहीं है इनके मन में, ये निष्कपट जीव है, हैं इन्होंने किसी कुछ ऐसा विचार, लेकिन आप मनुष्य शरीर में होने पर भी आपके मन में कई प्रकार के क्या कपट है, वैष्णव के चरण में अपराध करते हो, वैष्णव की निंदा करते हो,
ऐसी कारण से जब तक हम बैठे ऐसे कपटी रहोगे, वैष्णव के अपराध करते रहोगे और वैष्णव महाप्रसाद खाने पर भी भगवत धाम नहीं जाओगे। लेकिन यदि निष्कपट होकर स्वच्छ दिल में महाप्रसाद सेवन करके ही आप भगवत धाम पहुँच सकते हो। महाप्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ। प्रभुपा जी कहा करते थे, महाप्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ। क्योंकि मैं पाश्चात्य जगत में हिप्पियों को प्रसाद खिला खिलाए भक्त बनाया, हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। ठीक है, रामानुजाचार्य जी बारे में तो बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत हो गया। आज वहाँ पर एक संन्यास दीक्षा के अनुष्ठान भी है, तो यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं। यदि बहुत कुछ कहने का है, श्रील रामानुजाचार्य जी आविर्भाव महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय।